हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। राजधानी शिमला में रविवार दोपहर एक कार अनियंत्रित होकर होटल की पार्किंग में गिर गई, जिससे कार में सवार दो लोग घायल हो गए। हादसा छोटा शिमला थाना क्षेत्र के तहत सर्कुलर रोड पर होटल हिमलैंड के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक रामपुर से दो लोग कार में सवार होकर शिमला की ओर जा रहे थे। इस दौरान सर्कुलर रोड पर कार अनियंत्रित हो गई, जो कि सड़क के पैरापिट को तोड़ते हुए होटल हिमलैंड की पार्किंग में जा गिरी। कार चालक को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। ये हादसा मेरी आंखों के सामने हुआ, करीब 2 बजे के आसपास का। मैं अपने काम से छोटा शिमला की साइड जा रहा था, तो ये भाई साहब थे गाड़ी में, ये सामने से आए और शायद ओवर स्पीड में थे और गाड़ी से कंट्रोल से बाहर हो गई। कितने लोग थे गाड़ी में? करीब 3 लोग सवार थे, एक लेडी एक जेंट्स और एक बच्चा। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला। मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ कैंप धर्मशाला में 22 नवंबर से 27 नवंबर को चिकित्सा डायग्नोस्टिक केयर अपोजिट वॉर मेमोरियल धर्मशाला, जहां मिलेगी चिकित्सा उपचार के साथ ECG, TMT, होल्टर, इको, लेबोरेटरी व फार्मेसी की सुविधा। अगर आप डायबिटीज, हाइपरटेंशन या श्वास रोगों से पीड़ित हैं, तो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा। रजिस्ट्रेशन व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8988910010 या फिर 8988950505।